नमस्कार। आज हम कक्षा सातवीं का ड्राइंग विषय का वार्षिक आकलन मार्च 2023 का प्रश्न पत्र डिस्कस कर रहे हैं। इस पेपर में कुल मिलाकर 42 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 25 तक प्रत्येक प्रश्न एक अंक का है। प्रश्न संख्या 26 से 33 तक प्रत्येक प्रश्न दो अंक का है। प्रश्न संख्या 34 से 41 तक प्रत्येक प्रश्न तीन अंक का है। प्रश्न संख्या 42 15 अंक का है। भाग क MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 1, वर्ली कला का संबंध किस राज्य से है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान। तो जो वर्ली कला है, स्टिक ड्राइंग भी इसको हम कह सकते हैं, लेकिन मेनली ये ट्रायंगल की शेप में होती है, दो त्रिभुज होती हैं और जो मेल होते हैं उनका सिर सिर्फ गोल बनाया जाता है, और फीमेल को दिखाने के लिए हम उसके सिर पर एक और छोटा सा सर्कल यानी कि चूड़ा बना देते हैं। महाराष्ट्र की लोक कला है। प्रश्न संख्या 2, मग का चित्र किस आकृति में बनाया जाता है? गोलाकार, वर्गाकार, त्रिभुजाकार, अंडाकार। मग यानी कि जो दूध पीते हैं, मग वर्गाकार आकृति में होता है। प्रश्न संख्या 3, कागज का पेन होल्डर बनाने के लिए किन किन सामान की आवश्यकता होती है? रंगीन कागज, कैंची, गोंद, उपरोक्त सभी। रंगीन कागज की भी होती है, कैंची कागज को काटने का मात्र, गोंद चिपकाने के, तो इसलिए सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 4, रंगोली का अरिपन नाम किस राज्य से संबंधित है? रंगोली का अरिपन नाम बिहार राज्य से संबंधित है। प्रश्न संख्या 5, वर्ग के सभी कोणों का योग कितना होता है? वर्ग के एक कोण जो है 90 डिग्री का होता है, और वर्ग के अंदर कुल मिलाकर चार कोण होते हैं, तो चारों कोणों का योग हुआ 360 डिग्री। किसी रंग की गहरी रंगत प्राप्त करने के लिए उसमें कौन सा रंग मिलाया जाता है? क सफेद, ख काला, ग पानी, ग इनमें से कोई नहीं। किसी रंग की गहरी रंगत प्राप्त करने के लिए यानी कि उसकी डार्क शेड प्राप्त करने के लिए उसके अंदर काला रंग मिला जाता, तो सही उत्तर हुआ ऑप्शन ख काला। प्रश्न संख्या 7, सारस पक्षी की चोंच कैसी होती है? क छोटी, ख बड़ी, ग पतली, घ मोटी। तो सारस पक्षी की चोंच पतली होती है, ऑप्शन ग सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 8, संतरी, बैंगनी और हरा कौन सी श्रेणी के रंग हैं? क प्राथमिक, ख द्वितीय, ग तृतीय, ग इनमें से कोई नहीं। जो प्राथमिक श्रेणी के रंग हैं वो आपको पता है, लाल, नीला और पीला है। जब प्राइमरी कलर्स को मिलाया जाता तो हमें सेकेंडरी कलर्स मिलते हैं, यानी कि ये द्वितीय श्रेणी के रंग हैं। प्रश्न संख्या 9, थाली की सजावट करने के लिए किस किस सामान की आवश्यकता होती है? थाली की सजावट करने के लिए रंगीन कपड़ा, शीशे, सितारे, गोंद, उपरोक्त सभी। हाँ, हमें इन सभी सामान की आवश्यकता होती है, तो सही उत्तर है घ। प्रश्न संख्या 10, राजा रवि वर्मा का जन्म कब हुआ? क 1848, ख 1900, ग 1850, घ 1750। राजा रवि वर्मा का जन्म सन 1848 में हुआ था, तो क सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 11, झाड़ियों का तना कैसा होता? क नरम मुलायम, ख सख्त व मोटा, ग पतला, ग सख्त व टेढ़ा मेढ़ा। झाड़ियाँ सीधी नहीं होती हैं और ना ही इनका तना मुलायम होता है। हाँ, सख्त होता है लेकिन मोटा नहीं होता है। पतला पतला होता है लेकिन वो सख्त भी होता है, तो सही ऑप्शन है ख सख्त व टेढ़ा मेढ़ा। प्रश्न संख्या 12, समषटभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? प्रश्न के अंदर ही इसका उत्तर है। सम यानी कि समान, षट यानी कि छह, और भुज माने भुजा। समषटभुज के अंदर छह भुजाएं होती, तो का ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 13, प्राकृतिक डिजाइन के अंतर्गत कौन कौन से नमूने बनाए जाते हैं? क बेल बूटे, ख ज्यामितिक आकृतियां, ग इनमें से कोई नहीं, ग उपरोक्त सभी। तो प्राकृतिक नेचर के अंदर जो चीजें हम देखते हैं, बेल बूटे का सही ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 14, हाथी का चित्र किस आकृति में बनाया जाता है? क अंडाकार, ख वर्गाकार, ग आयताकार, ग गोलाकार। हाथी का चित्र अंडाकार आकृति में बनाया जाता है। प्रश्न संख्या 15, घर की चौखट पर क्या सजाया जाता? क फूलझड़ी, ख बंधनवार, ग लालटेन, ग इनमें से कोई नहीं।
फूलझड़ी जो है वो बैठक कक्ष की छत पर लगाई जाती है और घर की चौखट पर 15 बार लगाई जाती है। तो सही उत्तर हुआ ख। भाग ख वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न संख्या 16 से 18 तक खाली स्थान भरने हैं। वरली लोक कला खाली स्थान की प्रमुख कला है। वरली लोक कला महाराष्ट्र की प्रमुख कला है। प्रश्न संख्या 17 डैश की दो भुजाएं समान होती हैं। समद्विबाहु त्रिभुज की केवल दो भुजाएं समान होती हैं। 26 जनवरी को खालिस्तान के दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 19 से 21 तक हमें सत्य और असत्य बताने हैं। प्रश्न संख्या 19 पैरों का चित्रण करते समय विभिन्न कोणों व स्थितियों को ध्यान में रखा जाता है। जी हाँ बिल्कुल सही बात है, ये कथन सत्य है। प्रश्न संख्या 20 पेंसिल की विभिन्न ग्रेडों के अनुसार कोमलता व मोटाई कम हो जाती है। पेंसिल की विभिन्न ग्रेडों के अनुसार कोमलता और मोटाई कम भी होती है और बढ़ती भी है, तो ये असत्य है। प्रश्न संख्या 21 पेड़ों का तना मोटा लंबा और सख्त होता है। हाँ पेड़ों का तना मोटा भी होता है, लंबा भी होता है और सख्त भी होता है, तो ये कथन सत्य है। प्रश्न संख्या 22 से 25 तक सही मिलान करने हैं। प्रश्न संख्या 22 शेडिंग, 23 माध्यमिक रंग, 24 केरल, 25 उत्तर प्रदेश। अब जो ऑप्शन है कॉलम, अल्पना, उभार, गोलाई, प्राथमिक द्वितीयक। तो प्राथमिक द्वितीयक रंगों की बात हो रही है, तो जो प्रश्न संख्या 23 के साथ है प्राइमरी कलर्स प्राथमिक और सेकेंडरी आएगा। इसके बाद उभार व गोलाई शेडिंग के द्वारा दिखाई जाती है। फिर आता है केरल कोल्लम और उत्तर प्रदेश अल्पना, ये रंगोली के नाम है। केरल में रंगोली को कोल्लम के नाम से जाना जाता है और उत्तर प्रदेश में अल्पना के नाम से जाना जाता है। भाग ग अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। प्रश्न संख्या 26 बहुभुज की परिभाषा बताओ। बहु यानी कि बहुत और बहुभुज माने भुजा। तीन या तीन से अधिक सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को बहुभुज कहते हैं। प्रश्न संख्या 27 पक्षियों का चित्रण करते समय किन दो मुख्य विशेषताओं का ध्यान रखा जाता है। पक्षियों के सिर और पक्षियों का चित्रण करते समय हमें अनेक बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे जो पक्षियों का सिर होता है उसके लिए गोलाकार आकृति बनाई जाती है और धड़ के लिए अंडाकार आकृति, पूंछ के लिए आयताकार आकृति, तो इन बातों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। प्रश्न संख्या 28 बंधनवार घर के किस हिस्से में लगाई जाती है। इसमें प्रयोग होने वाले किन्हीं दो वस्तुओं के नाम लिखो। बंधनवार घर के मुख्य दरवाजे या चौखट पर लगाई जाती है और इसे बनाने के लिए धागा, कपड़ा, शीशे, सितारे, गोंद आदि वस्तुओं की आवश्यकता होती है। प्रश्न संख्या 29 राजा रवि वर्मा के बारे में दो मुख्य बातें लिखो। राजा रवि वर्मा भारत के एक प्रमुख चित्रकार थे। उन्होंने भारतीय साहित्य और संस्कृति के पात्रों का चित्रण किया। उनके चित्रों की सबसे बड़ी विशेषता कि उन्होंने हिंदू महाकाव्य और धर्म ग्रंथों पर अनेक चित्र बनाए। इन्होंने ही सबसे पहले तेल रंगों का इस्तेमाल किया था। प्रश्न संख्या 30 हरियाणा के राजकीय पक्षी का वर्णन करें। हरियाणा का राजकीय पक्षी है काला तित्र। काला तित्र परिवार में एक शिकार पक्षी है। ये जो काला तित्र ना, तित्र परिवार में एक शिकार पक्षी है जो गैलीफॉर्मेस गैलिनिसियस पक्षियों के क्रम के फासियानाडे है। इसे ब्लैक पार्टीज के नाम से जाना जाता है। इसे हिंदी में काला तित्र कहते हैं। प्रश्न संख्या 31 आनुपातिक छड़ी चित्रण से आप क्या समझते हैं। इस ये क्वेश्चन दो तरीके से मेरे दिमाग में आ रहा है। जो आनुपातिक छड़ी चित्रण है यानी कि हम किसी चीज़ को जब देखकर बनाते हैं तो रेशो का ध्यान रखते हैं, यानी कि हम पेंसिल के साथ नापते हैं कि कौन सी चीज़ कितनी लंबी है कितनी छोटी है। लेकिन जब हम इसको इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो स्टिक ड्राइंग जो हम लाइनों के माध्यम से कोई भी पिक्चर बनाते हैं, सिर्फ लाइन्स का यूज करके ही हम कोई फिगर बनाते हैं। जैसे हाथ बनाने के लिए एक स्टिक कितनी लंबी लेनी है, धड़ बनाने के लिए कितनी लंबी स्टिक का यूज करना है। तो इस क्वेश्चन को आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 32 सजावटी डिजाइन के अंतर्गत थाली को मुख्य किन किन अवसरों पर सजाया जाता है।
तो थाली को स्कूली आयोजन यानी कि स्कूल में कोई भी प्रोग्राम होता है तो थाली सजाई जाती है। शादी होती है या सगाई होती है तो शादी में भी डेकोरेटिव थाली का यूज करते हैं। या घर में कोई आयोजन होता है या कोई तीज त्योहार यानी कि व्रत पूजा आदि के अवसर पर भी हम थाली को सजाते हैं। प्रश्न संख्या 33, समानांतर चतुर्भुज की किन्हीं दो मुख्य विशेषताओं का वर्णन करो। समानांतर चतुर्भुज, आमने सामने की भुजाएं समान और समानांतर होती हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। भाग घ, लघु उत्तरात्मक प्रश्न। प्रश्न संख्या 34, मटके का चित्र बनाकर उसे वर्ली कला से सजाओ। वर्ली जो महाराष्ट्र की लोक कला है, ट्रायंगल में जो फिगर बनाए जाते हैं दो त्रिभुजों को जोड़ करके, वो बना करके मटके को सजाना है। मछली का चित्र बनाकर रंग भरो। तोते का चित्र बनाकर रंग भरो। प्रश्न संख्या 37, रंगोली त्योहारों के अलावा और किन किन अवसरों पर बनाई जाती है। विद्यालय कोई भी आयोजन होता है उसमें रंगोली बनाते हैं, व्रत पूजा या फिर कोई शुभ अवसर होता है तब भी रंगोली बनाई जाती है, किसी भी शुभ अवसर पर भी रंगोली बनाई जाती है। प्रश्न संख्या 38, एक वर्ग बनाओ जिसकी एक भुजा ए दी गई हो। सबसे पहले हमें वर्ग की एक भुजा ए लेनी है, फिर ए के दोनों कोणों पर, दोनों सिरों पर यानी कि ए बी पर हमें 90-90 डिग्री के कोण बनाने हैं, समकोण, क्योंकि वर्ग के सभी कोण समकोण होते हैं। फिर समकोण बनाने के बाद हमें जो ए भुजा दी गई है उसके बराबर भुजा काटनी है और फिर ऊपर से मिला देना है। प्रश्न संख्या 39, गुल्लक का चित्र बनाकर रंग भरो। प्रश्न संख्या 40, चाय के कप का चित्र बनाओ। प्रश्न संख्या 41, एक आयत बनाएं जिसका एक विकर्ण एक्स और एक भुजा वाई के समान हो। ये देखो, ये दे दिया एक विकर्ण एक्स और ये दे दी भुजा वाई। तो जो विकर्ण एक्स है इसके बराबर हमें ये विकर्ण एक्स लेना है ए बी। अब विकर्ण एक्स का बायसेक्ट कर देंगे, सी और डी इसको दो समान भागों में बांट दिया ओ बिंदु पर। ओ बिंदु से हमें ओ ए या ओ बी के बराबर कंपास खोल के एक सर्कल बनाना है। इसके बाद जो भुजा वाई दी गई है इस वाई के बराबर कंपास खोल के ए से ऊपर की तरफ और बी से नीचे की तरफ काटना है। ये आ गया हमारे पास ई और एफ, तो बी एफ को मिला दिया, बी ई को मिलाया, ए ई को मिलाया और ए एफ को मिला दिया। भाग ड, दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। प्रश्न संख्या 42, अहोई का चित्र बनाकर रंग भरे। अहोई अष्टमी का जो महिलाएं व्रत रखते हैं बच्चों की लंबी आयु के लिए, वो कैलेंडर पर एक तस्वीर बनी होती है, या तो आपको वो चित्र बनाना है या फिर ज्यामितिक डिजाइन में रंगोली बनाकर रंग भरो। ज्योमेट्रिकल डिजाइन बनाना है रंगोली का और फिर उसमें रंग भरना है। धन्यवाद।